अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमी खान और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं वादी सून में नरसिंह फवार पर। ये सब दोस्त मेरे साथ हैं। इस वक्त हम ये सूस के सर रोड पर खड़े हैं। ये वेलकम बोर्ड मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगा हुआ है। अब यहाँ पर आगे हम जाएंगे सुल्तान मेहदी रोड पर और वहाँ से एक रास्ता टर्न होगा नरसिंह फवार की जानेब। तो उसी रास्ते पर, वो एक कच्चा रास्ता है, तकरीबन आधे घंटे की ट्रैकिंग है, पैदल ट्रैकिंग है, तो वो हमने करनी है। फिलहाल हम खड़े हैं ये वेलकम टू सोन वैली बोर्ड के पास और अपना सफ़र शुरू करते हैं। व्यूवर्स, ये सुल्तान मेहदी रोड है, सुल्तान मेहदी रोड है ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये एक बड़ा दरख्त लगा हुआ है जब भी आपने आना है तो। और इस तरफ ये आप कैमरामैन इधर दिखाए, इस तरफ यहाँ से एक रोड जा रहा है नरसिंह फवार की तरफ, ये जिधर सब लड़के खड़े हैं, तो इसी ट्रैक पर भी हम जाएँगे। ये सुल्तान मेहदी रोड है और ये जो कच्चा रास्ता आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन इधर आपको दिखा सके, ये कच्चा रास्ता है, इससे यहाँ पर आगे जाएँगे हम नरसिंह फवार की जानेब। अभी हम इस कच्चे ट्रैक पे आ चुके हैं जो नरसिंह फवार की जानेब जा रहा है और ये बड़ा डेंजरस रास्ता है। पहली बार मैं इस पे ट्रैकिंग कर रहा हूँ और तकरीबन चार बाइक्स हैं हमारे पास, हर बाइक पे तीन तीन बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन ये एडवेंचर से भरपूर है रास्ता, साथ में बहुत खूबसूरती है, ग्रीनरी बहुत है साथ में। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जी, अभी यहाँ पर अपने बाइक को पार करेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। फिर हम यहाँ से नीचे पैदल ट्रैक है नरसिंह फवार तक जाने के लिए, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और भी कुछ बंदे आज यहाँ पर आए हुए हैं इस जगह पर, और इससे आगे फिर हम निकल जाएंगे। आज मैं वादी सून में एक्सप्लोर करूंगा नरसिंह फवार को। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर मंदिर भी हैं, आबशारे भी हैं, और हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं नरसिंह फवार वाली जगह पर। यहां से नीचे अभी हमने पैदल ट्रैकिंग करनी है, तकरीबन 30 मिनट का रास्ता है। यहां पर हमने अपने बाइक को पार किया है और उसके बाद अभी हम जाएँगे नीचे। यहाँ आस पास बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी है, और बस आप साथ साथ रहें। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, एक नई जगह को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने जा रहा हूं, आपको बहुत मज़ा आएगा, वीडियो के साथ साथ रहें। यहां से ये रास्ता नीचे उतर रहा है नरसिंह फवार की जानेब, हमने अपने बाइक को ऊपर पार किया है एक, ये सामने एंड पे देख रहे हैं ना आप, यहां पर अपने बाइक को पार किया है। ये वो रास्ता है, जब भी आपने आना है तो इसी रास्ते पर आपने यहाँ से मुड़ जाना है। कोशिश करें कि इस ट्रैक पर फैमिलीज़ या छोटे बच्चों को ना लेके आएं, क्योंकि मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, ये बिल्कुल पथरीले रास्ते हैं और जब आप वापसी पर आएंगे तो बहुत चढ़ाई होगी। ने फुलाई कबूतर है जो आप देख रहे हैं, इस वादी सून में फुलाई कसरत से पाई जाती है यहाँ इन इलाकों में। नहीं होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं हमारा प्यारा पाकिस्तान है, इसको साफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ है। जब भी आएँ तो ये शापर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इनको साथ लेके आ सकते हैं, फिर वापस नहीं आप लेके जा सकते। तो
जब भी आएँ अपना प्यारा पाकिस्तान है इसको साफ़ रखें, जो चीज़ें खाने के लेके आएँ उनको फिर अब वापसी टाइम बैग में डाल के ले जाएँ वापस। तकरीबन आधा ट्रैक हमने कर लिया है, मज़ीद हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और ये एक अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर नेचर लोग एडवेंचर से जो मोहब्बत रखते हैं वो ऐसी जगह पर आएँ। आस पास खूबसूरत पहाड़ हैं और ग्रीनरी ग्रीनरी है और यहाँ से ये ट्रैक है, मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो इस ट्रैक से मज़ीद आगे हम जाएंगे नरसिंह फवार पर। तो यहाँ आके बहुत ही मतलब है लुक है हर चीज़ की, जो माहौल आप देख रहे हैं यहाँ मतलब आके काफ़ी अच्छा फील हुआ है। मैं ट्रैक के बारे में बताएं, ट्रैक आसान है मुश्किल है, जो इतना इतना सियाती लोग हैं उनको क्या रेकमेंड करना चाहिए कि उनको यहाँ उनको उनको यहाँ आना चाहिए? मुश्किल नहीं है इतना, काफ़ी आसान है, मतलब ना काफ़ी अच्छी जगह है। आप भी आएँ और मतलब जितना कितना हो सके ना आप इस जगह को देखें, और खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही प्यारी। ये जो बड़े बड़े दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं इन्हीं के दरमियान है जी नरसिंह फवार, बिल्कुल पहुंच गए हैं जी नरसिंह फवार वादी है सोन, क्या खूबसूरत जगह है जी। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नरसिंह फवार वादी सून में, और यकीन माने ये ऐसी जगह है कि जैसे आज तक इस वीरान जगह पर कोई भी ना आया हो, और ये एक मिस्टोरियस प्लेस है वादी सून में। कितने खूबसूरत जगह हैं, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं वादी सून के इन खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान। इस तरफ ये दीवारें हैं कुछ गिर गई हैं, कुछ आज भी अभी तक जो हैं अपनी उसी हालत में मौजूद हैं। यहाँ इस तरफ खंडर बने हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ इस तरफ एक मंदिर बना हुआ है वो मंदिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक चश्मा है इधर, और ये इसकी गहराई है मेरे ख्याल में 3 से 4 फुट इसकी गहराई है, और यहाँ इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ ये खंडर टाइप बनी हुई हैं, इनकी छतें गिर गई हैं अब, और ये एक बड़ा दरख्त भी इनके ऊपर देख सकते हैं आप, ये देखें अब मैं इसके अंदर आ गया हूँ, और ये इनकी छतें जो हैं अब गिर गई हैं, कोई किसी की भी जो है ये छत सही सलामत नहीं है, और बाकी उसी हालत में ये कायम है आज।
ये मंदिर है जी सिखों का, हम आपको दिखाते हैं, सिख वाला जंदर भी जैसे कहते हैं। ओए ये क्या है जी, ये कुछ ज़मीन से निकाल के इन्होंने ये जी कुछ खुदाई हुई है, पता नहीं इस जगह की, सिख वाले ये मंदिर के अंदर हम खड़े हैं और ये कुछ खुदाई हुई है। ये देखिए आप, अल्लाह ताला की शान है, ये पानी हमारे लिए कितनी नेमत है और किस तरह ये पहाड़ी के बीच के में से निकल रहा है। ये देखें पहाड़ों के दरमियान में से यहाँ से ये पानी निकल रहा है। ये पानी ठंडा है, मीठा पानी है, सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। मैं अभी जाना है नीचे आबशार पर और रास्ता नहीं है, लैंडस्लाइडिंग के वजह से ये पहाड़ लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखें यहाँ से नीचे सीधा ऊपर से सीधा नीचे जा रहे हैं हम, फिर भी सब अपनी मदद आपके तहत जा ही रहे हैं, रास्ते बहुत मुश्किल हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल की ये ट्रैकिंग है, रास्ते बिल्कुल नहीं बने हुए हैं, लैंडस्लाइडिंग की वजह से पहाड़ लैंडस्लाइड हुई हैं, जिसकी वजह से अपनी मदद आपके तहत हम रास्ते खोज के नीचे जा रहे हैं आबशार तक। पहुंच गया हूं जी आबशारों पर, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये सामने जो आज मेरे साथ दोस्त आए हैं वो बैठे हैं और एक मुश्किल ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचे हैं इन आबशारों पर और ये खूबसूरत झरने बह रहे हैं पानी के, खूबसूरत नज़ारे हैं, अल्लाह ताला की नेमत है। ये कि देखे पानी,
तो व्यूवर्स, आज सारा दिन एंजॉय करने के बाद अभी हम पार्किंग वाली जगह पर पहुंच गए हैं। तो आई होप कि ये आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह ऐसे ही नए एडवेंचर के साथ हाजिर होंगे। दोबारा इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।